झुंझुनू जिले के गुड्डा गौरजे थाना के अंतर्गत अल सुबह करंट लगने से कई भेड़ और बकरियां मर गई। घटना जांखल सोंथली रोड स्थित श्याम मंदिर के पास छऊ गांव सीमा की है। भेड़ बकरियां पशुपालक घिसु सिंह और जयराम मुड की है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि भेड़ और बकरियां सुबह खेत की सीमा के पास चल रही थी। इस दौरान 11,000 के बिजली पोल में करंट आने से दोनों पशुपालकों की 27 भेड़ और 2 बकरियां मौके पर मर गई। सूचना पर गुड्डा गौरजे पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। चिकित्सकों से पशुओं का पोस्टमार्टम कराकर पशुपालकों को सौंप दिया है। इस घटना में विद्युत विभाग पर ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाकर पशुपालक के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। नाम कैलाश सिंह, एएसआई थाना गुड़ागोड़ जी। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि जाखड़ सोंधड़ी के बीच में छऊ इलाके की सीमा में भेड़ बकरियों के करंट लग गया। इस इतला पर मन एएसआई में जाप्ता में गाड़ी के यहाँ मौके पर पहुंचा। भेड़ बकरियों का जो करंट लग के ख़त्म हुई है, ये यहाँ पोल के पास में पड़ी है। वेटनरी डॉक्टर को बुलवाया है, पोस्टमार्टम करवा करके और सपोर्ट कर देंगे। मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, राजकीय पशु चिकित्सालय बाटीवाड़ से हूँ, और मुझे गुड्डा थाना से सूचना मिली है कि जाखड़ के पास में जो बुगाला का कांकड़ है वहाँ पे छऊ और जाखड़ का जो कांकड़ है वहाँ पे 11,000 की एक लाइन है, जिससे एक जो रेवड़ 2 पशुपालकों का आ रहा था और दोनों ये 11,000 है सीधा कनेक्ट है ऊपर से। इससे जो भेड़े टच होती गई और 2 पशुपालक हैं घिसु सिंह शेखावत और इंदर सिंह जी जाखड़ से हैं। इनके थे 13 भेड़, 2 मिंडा और 1 बकरी। ये सब पशु करंट लग के मर गए हैं। और एक है जयराम जी मुंड, मुकंदा राम जी मुंड, ये भी जाखड़ से हैं। इनकी 11 भेड़, 1 मिंडा और 1 बकरी, ये सारे पशु 29 हैं टोटल मर चुके हैं। और इनमें पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ज़्यादातर भेड़ बकरियां गर्भवती हैं और 2 छोटे नग हैं, बाकी सब पूरे 3-4 साल की उम्र से सब बड़े हैं। और सारे पशु शरीर से हष्ट पुष्ट थे, लेकिन अब करंट लगने से फूल गए हैं। और करंट के जो सिम्टम होते हैं, सबका शरीर अकड़ गया, नाकों में से और गुदा में से खून आ रहा है और शरीर फूला हुआ है और करंट के जलने के निशान साफ साफ हैं और सारे पशु मर चुके हैं।